हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो नेम फ़ोटो एडिटिंग हो रही हैं वो किस प्रकार से होगी। तो इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना होगा। तो सबसे पहले हमको वीडियो बनाने के लिए दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है VN और कैपकट ऐप। कैपकट ऐप को आप गूगल से डाउनलोड कर लेना, और सुपर VPN ऐप और VN ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से अपने गूगल में चले जाना है, और गूगल में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च कर देना है अर्बन जंगल फॉन्ट सर्च कर देना है। और सर्च करने के बाद यहाँ से आपको पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है। पहली वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ से इस तरह से इसको ऐसे जूम कर लेना है साइड में, इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। और इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है यहाँ से, तो आपको को यहाँ से ये इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल डाउनलोड नहीं करता हूँ। इतना करने के बाद हम इसको वापस से अपने गूगल पे आएंगे, और एक यहाँ पे एक पिक डाउनलोड करेंगे, जिसे मैं जंगल पिक सर्च कर देता हूँ। पिक सर्च करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे इमेज पे जाएंगे, और इमेज पे जाने के बाद जैसे मैं कोई एक जंगल का पिक डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इसका ही कर लेता हूँ यहाँ से। और इतना करने के बाद दोस्तों हम इसको यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके इसको डाउनलोड कर लेंगे फ़ोटो को। और फ़ोटो को डाउनलोड करने के बाद अब आपको अपने VN ऐप में चले जाना है। तो VN ऐप में चले जाना है, और VN ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने एक प्लस वाला आइकन आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है आपको, और एक जो हमने फ़ोटो लिया है उसको आपको इसमें सेलेक्ट कर देना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको ओरिजिनल पे क्लिक करके इसकी साइज़ को आपको यूट्यूब की तरह साइज़ रख लेनी है, और इसके पीछे के जो ब्लैक लेयर भाग हैं उसको डिलीट कर देना है यहाँ से। और इसकी फ़ोटो की लेंथ को आपको 14 सेकंड तक बढ़ा देना है, जिसे मैं बढ़ा रहा हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको इसमें एक नेम ऐड करना होगा। तो नेम ऐड करने के लिए आपको इसे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐड टेक्स्ट फिल आप अपना जैसे नाम लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ जैसे अरुण एडिटिंग। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ से राइट टिक कर देता हूँ, और राइट टिक करने के बाद अब आपको यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करनी है। तो फ़ॉन्ट को आपको यहाँ से इस पे जाके फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे FF पे जाके ऐड फ़ॉन्ट पे क्लिक कर देना है एडिट पे, और यहाँ से माय फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। माय फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ से ऐड फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है, और इम्पोर्ट फॉर्म फाइल ऐप इस पे क्लिक करना है। और जो भी आपने वो फाइल डाउनलोड की थी अर्बन जंगल फ़ॉन्ट वाली, उसको आपको एक फ़ोल्डर में सेव कर लेना है। तो मैंने इसको फ़ोल्डर में सेव कर लिया है पहले से, तो मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, ये सक्सेसफुली हमारे VN ऐप में हो चुकी हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको यूज़ कर लिया, और यहाँ पे राइट टिक करता हूँ मैं। तो मैं जैसे राइट टिक करता हूँ, राइट टिक करने के बाद अब इससे हमको यहाँ से इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ से फटाफट से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, फटाफट से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। एडजस्ट करने के बाद अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इसमें एक साउंड ऐड नहीं करना है, साउंड ऐड नहीं करना है। सबसे पहले अब इसमें हमको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके उसको सेव कर लेना है, यहाँ से सेव कर लेना है। और सेव होने के बाद दोस्तों अब इसको सेव कर लेना है हमें यहाँ से। और इसको सेव करने के बाद अब आपको यहाँ से यहाँ से अपने VPN ऐप को यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। तो मैं अपने VPN ऐप को जल्दी से यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको कनेक्ट करने से पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।
तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद अब आपको अपने आपके सामने एक यह टेम्पलेट ओपन हो गया है, तो मैं इस टेम्पलेट का लिंक आपको अपने कैप टेप मतलब इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको जाकर चले जाना। तो इस पे यूज टेम्पलेट ऑन कैप कट पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में जाने के लिए आपको यहाँ से अपने यूज टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है, और टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपने वीडियो सेव की थी अभी, तो उसको मैं यहाँ से इसको एडजस्ट करके यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करके इसी ऐप में इसको ले लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से एडजस्ट करके इसको जल्दी से यहाँ से इसको ले लेता हूँ मैं। तो ये लोडिंग लेने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, तो इसको ले लेता हूँ मैं यहाँ से। तो अब हमारी वीडियो बनकर पूरी हो चुकी है, तो इसको इस पे ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये एक्सपोर्टिंग वीडियो होने लगी है, मतलब अभी बन जाएगी। तो इस वीडियो को एक्सपोर्ट होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। तो अब दोस्तों ये वीडियो भी एक्सपोर्ट हो चुका है, और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके और उस वीडियो को ले लेता हूँ जो अभी हमने यहाँ से बनाई है। तो मैं उस वीडियो को यहाँ से ले लेता हूँ, तो मैं उस वीडियो को ले लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने ये वीडियो ले ली यहाँ से और इस पर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं अब इसमें एक साउंड ऐड करूँगा। तो साउंड ऐड करने के लिए आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, म्यूजिक पे क्लिक करना है। म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद माय म्यूजिक पे क्लिक कीजिएगा और एग्जैक्ट फॉर्म वीडियो पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं साउंड ऐड करने के लिए यहाँ से एक जो मैंने साउंड इसमें डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इस साउंड का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से इसको इस पर क्लिक करके यहाँ से सेव पे क्लिक करके और मैं इसको यहाँ से माय म्यूजिक पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ से माय म्यूजिक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखता हूँ अभी हमने, तो मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ, और इसको लेने के बाद यहाँ पे राइट टिक कर देता हूँ। और राइट टिक करने के बाद देखिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो प्ले करके बताता हूँ हमारी वीडियो यहाँ से कैसे किस तरह से एडिटिंग हुई है हमारी वीडियो यहाँ से। तो मैं आपको उस वीडियो को प्ले करके बताता हूँ, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी तरह से एडिट हो चुकी है, तो अब इसको हम यहाँ से सेव करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से इस तीर वाले आइकन पे क्लिक करके और यहाँ से इसकी क्वालिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ और सेव करने लाता हूँ, और ये वीडियो तब तक सेव हो जाएगी। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और इस पर एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्ट वीडियो इस पर लाता रहता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदगी भारत।